गुड मॉर्निंग दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कोऑर्डिनेटरी ज्योमेट्री के कुछ फॉर्मूलाज। उस फॉर्मूला को कैसे कहाँ प्रयोग करेंगे वो आज हम सीखेंगे। तो आज हम फॉर्मूला सीखने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस फॉर्मूला को इन क्वेश्चन में कैसे प्रयोग करेंगे वो देखेंगे। तो चलिए आते हैं, क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन आपका, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। यानी ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, यानी कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 2, 3, ये मान लीजिए आप ए रख लीजिए इसको, और ये जो दिया हुआ है इसको बी मान लीजिए 4 और 1 को। अब इसके बीच का जो क्या करना है आपको, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करिएगा, सबसे पहले इसको लिख लीजिए x1 इजकल टू कितना 2, x2 इजकल टू क्या लिख लीजिए, इसके वाले वैल्यू को x2 लिख लीजिए, कितना हो जाएगा 4। उसके बाद y1 रख लीजिएगा कितना 3, और यहाँ y2 रख लीजिएगा कितना आपके पास 1। तो आप यहाँ पर x1 इसको रखे और y1 इसको रखे। क्यों लिखे, क्योंकि बात ऐसा है कि हमेशा ध्यान रखिए कि आगे वाला x पीछे वाला y, तो इसलिए इसको x1 रखे तो इसको y1 रखेंगे, इसको x2 रखेंगे तो इसको y2 रखेंगे। इस प्रकार से हम लोग यूज़ करेंगे। अब फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला है आपका रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो आप क्या करिए, बस कुछ करना नहीं है, डिस्टेंस क्योंकि इसको पॉइंट हम ए लिखे इसको बी लिखे, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या, डिस्टेंस ऑफ ए बी लिखेंगे। और क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या है x1 माइनस x2। तो x1 मेरे पास कितना है 2 है, तो यहाँ 2 लिखिएगा, और x2 मेरे पास कितना है 4 है, तो यहाँ 4 लिखिएगा का क्या होल स्क्वायर प्लस। उसके बाद y1 माइनस y2, तो y1 कितना है, y1 मेरे पास 3 है, यहाँ 3 लिखिए, 1 लिखिए का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ पर 4 में से 2 गया तो क्या बचा, माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 1 गया तो 2 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, और फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4। तो यानी कितना हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा 8। तो 8 का रूट अंडर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ आपका ये वाला क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। तो x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, a हो जाएगा। x2 का वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस a हो जाएगा। फिर y1 क्या हो जाएगा, y1 आपका b हो जाएगा, और y2 आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस b हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यही फॉर्मूला में आप क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ, इसको मान लीजिए आप पी मान लीजिए, इसको क्यू मान लीजिए, तो सीधा लिखिए डिस्टेंस ऑफ पी क्यू लिखिए, और यहाँ यूज़ करिए फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, x1 माइनस x2। तो यहाँ पर a माइनस a, यानी a माइनस और माइनस a, तो माइनस a फिर से लिखेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस a का होल स्क्वायर प्लस। उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है y1 माइनस y2, तो y1 मेरे पास कितना है, ये है, और y2 मेरे पास ये है, तो y1 हो गया आपका b माइनस, और यहाँ फिर से माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या करिए, यहाँ a और a का जोड़िएगा तो हो जाएगा 2a, क्या होगा 2a हो जाएगा, तो 2a का होल स्क्वायर। यहाँ पर फिर जोड़िएगा b और b जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 2b, और 2b का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इस प्रकार से आप यूज़ करिएगा। अब यहाँ पर 2a का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4a का स्क्वायर, 2b का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4b का स्क्वायर। इस प्रकार से आप यूज़ कर लीजिएगा। अब यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए, तो 4 कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, 4 यहाँ कॉमन चला गया। अब 4 क्योंकि रूट से बाहर जा सकता है, क्योंकि 2 × 2 तोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 होगा, तो यहाँ से क्या करेंगे, 2 बाहर ले लिए और रूट अंडर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार से इसका आंसर आ गया। अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दिस आर कॉलिनियर। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये पॉइंट जो दिए हुए हैं इसको मान लीजिए ए, ये पॉइंट जो दिए हैं उसको मान लीजिए बी, ये पॉइंट दे दिए हैं इसको मान लीजिए सी। अब बोल रहा है कि पॉइंट्स कॉलिनियर में है, तो अब इसको डिटरमाइन करने के लिए क्या करिएगा,
जब डिटरमाइन करना होगा तो पॉइंट्स कॉलिनियर में है या नहीं है इसके लिए क्या पता चलता है। इसके लिए जैसे मान लिया कॉलिनियर का मतलब है कि कोई एक लाइन है इसमें पॉइंट दिए हुए हैं तो ये कॉलिनियर पॉइंट होगा, यानी एक लाइन पर यदि तीन कोई पॉइंट दिए हुए हैं तो ये पॉइंट्स कॉलिनियर कहलाएंगे। तो कॉलिनियर नहीं होने का मतलब क्या है कि ये पॉइंट जो होंगे लाइन पर नहीं होंगे। अब होता क्या है कि कॉलिनियर पॉइंट्स में मान लिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, तो क्या होता है कॉलिनियर का मतलब यदि ए बी को जोड़ेंगे बी सी के साथ ए सी के बराबर होगा, यानी किसी भी दो पॉइंट के डिस्टेंस को, ये पॉइंट के डिस्टेंस को और ये पॉइंट को डिस्टेंस को जोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस के बराबर होगा। तो आपको क्या करना होगा कि ए बी का डिस्टेंस पहले निकालिएगा, फिर बी सी का डिस्टेंस निकालिएगा, फिर ए सी का डिस्टेंस निकालिएगा। अब निकालने के बाद किसी दो डिस्टेंस को जोड़ने पर तीसरे डिस्टेंस के इक्वल होगा तो समझिए कि ये कॉलिनियर में होगा, अदरवाइज कॉलिनियर में नहीं होगा। तो आप क्या निकालेगा, सबसे पहले निकालेगा आंसर के रूप में, सबसे पहले निकालेगा आप, पहले निकालेगा ए बी। तो ए बी का क्या यूज़ करिएगा, रूट अंडर फॉर्मूला क्या है, एक्स वन माइनस एक्स टू। तो आप इसमें आ रहे हैं तो एक्स वन माइनस एक्स टू यानी वन माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू, तो फाइव माइनस थ्री का होल स्क्वायर, इस प्रकार से आप यूज़ करिएगा, ठीक है। उसके बाद टू में से वन चला जाएगा, टू में से वन चला जाएगा तो क्या बचेगा, वन, तो यानी कि माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस का प्लस लिखेंगे, फाइव में से थ्री चल जाएगा तो बचेगा क्या, टू, और टू का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू का स्क्वायर बचेगा, टू का स्क्वायर लिखेंगे तो वन का स्क्वायर करेंगे तो वन होगा और टू का स्क्वायर करेंगे तो फोर होगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, वन प्लस फोर यानी आ जाएगा आपके पास रूट फाइव, ठीक है। उसके बाद ए बी निकल गया, उसके बाद आप क्या निकालेंगे, आप निकालिएगा बी सी। तो बी सी निकालिएगा तो फिर उसी तरह फॉर्मूला यूज़ करिएगा, तो यहाँ पर बी सी निकालिएगा, बी सी निकालिएगा तो उस समय यहाँ पर ये एक्स वन हो जाएगा और ये एक्स टू हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू माइनस, और फिर यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखेंगे थ्री माइनस, यहाँ पर कितना है, माइनस अलेवन है, कितना है, थ्री माइनस अलेवन है, तो यहाँ पर टू लिखिएगा माइनस टू, और नहीं यहाँ लिखिएगा थ्री, सॉरी यहाँ पर लिखिएगा थ्री और माइनस, और यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस अलेवन का होल स्क्वायर। तो अब करिएगा टू टू जा कितना हो गया फोर, अब फोर का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा सिक्सटीन, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा फोर्टीन, फोर्टीन का स्क्वायर करेंगे तो 196 हो जाएगा, तो 196। अब इन दोनों को जोड़ दिए, छः छः कितना हो गया बारह, बारह का दो हाथ में लगा एक, दस और एक ग्यारह, ग्यारह का एक हाथ में लगा एक, ठीक है 212 आया, तो यानी इसका रूट तो टूटने वाला नहीं है तो ये वाला छोड़ देंगे इसी तरह से, नहीं तो आप प्राइम फैक्टर कर लीजिएगा, प्राइम फैक्टर कर लीजिएगा, जैसे यहाँ पर 212 है तो 212 का प्राइम फैक्टर करिएगा तो कितना आ जाएगा, टू बार में जाएगा 206, फिर टू से जाएगा तो 2523, तो यानी कितना आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2√553। उसके बाद आप क्या निकालिएगा, उसके बाद निकालिएगा ए सी, उसके बाद ए सी निकालिएगा, ए सी का वैल्यू क्या दिया हुआ, यहाँ से एक्स वन ये हो गया, एक्स टू ये हो गया, तो यहाँ पर यूज़ करिएगा रूट अंडर एक्स वन आपके पास वन है और यहाँ पर माइनस पहले से है और यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ पर वाई वाई वन कौन है, फाइव है तो यहाँ फाइव लिखिएगा और आपका यहाँ पर माइनस अलेवन है तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस अलेवन, ठीक। उसके बाद आप क्या यूज़ करेगा, वन और टू को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा थ्री और थ्री का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास नाइन, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा सिक्सटीन, कितना हो जाएगा सिक्सटीन और सिक्सटीन का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिक्सटीन का स्क्वायर करिए सिक्सटीन इंटू सिक्सटीन, छः छः छत्तीस का छः हाथ में लगा तीन, ठीक है छः कम छः तीन नौ कट गया और सोलह तो आया छः पाँच दो, दो सौ छप्पन, तो कितना रहा है 256, तो 256 का क्या करेगा जोड़ दीजिए, 256 को 9 से जोड़िए, 9 से जोड़िए कितना हो जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास 60 और 5 65 यानी 265 आ रहा है, तो 265 रूट ओवर आया। अब इसको तोड़िए, 265 का प्राइम फैक्टर करिए तो 265 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 5 के टेबल में जाएगा 5 5 जा
फाइव थ्री जा, यानी कि कुछ भी नहीं आएगा इसका, क्योंकि पेयर नंबर नहीं आ रहा है, तो ये नंबर सेम यही रह जाएगा। तो अब हम बोले कि किसी भी दो नंबर जोड़ने पर तीसरे नंबर के इक्वल होना चाहिए, तो क्या आप किसी भी दो नंबर को आप जोड़ सकते हैं इसमें? नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है। लाइक टर्म का कहने मतलब क्या बोल रहे हैं, जैसे 2x प्लस 3x रहेगा तो हो जाएगा आपका 5x, लेकिन कभी 2x प्लस 2y कभी आप जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है। इसके वजह से यहाँ पर तो कोई लाइक टर्म नहीं है, इसके वजह से एक दूसरे से कोई भी जुड़ने वाला नहीं है। तो यानी ये कहने का मतलब है कि ये पॉइंट्स कॉलिनियर में नहीं है। दीज पॉइंट्स लिखेंगे, दीज पॉइंट्स आर नॉट इन कॉलिनियर, इस प्रकार से कॉलिनियर लिख लीजिएगा। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन में बोल रहा है चेक वेदर 5-2, 6.4 and 7-2 आर दीज दी वर्टिसेस ऑफ द आइसोसेलस ट्रायंगल। अब बताइए यहां बोल रहा है कि आइसोसेलस ट्रायंगल के बारे में बोल रहा है, तो इसको आप लिख लीजिए ए, इसको ले लीजिए बी, इसको ले लीजिए सी। अब ये बताइए आइसोसेलस ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो आइसोसेलस ट्रायंगल मतलब क्या होता है? आइसोसेलस ट्रायंगल मतलब होता है कि दो साइड इक्वल होना चाहिए। तो आप पहले निकालिएगा ए बी, फिर निकालिएगा बी सी, फिर निकालिएगा ए सी। निकालने के बाद देखिएगा कि दोनों में से, इन तीनों में से कोई ऐसा दो डिस्टेंस आपस में इक्वल है या नहीं है। यदि दो डिस्टेंस आपस में इक्वल होगा तो ये आइसोसेलस ट्रायंगल होगा, अदरवाइज आइसोसेलस ट्रायंगल नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर आप पहले निकालिए ए बी, आंसर बना रहे हैं क्या, निकालिए ए बी। तो यहाँ लिखते हैं ए बी, तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करिएगा। तो यहाँ पर 5-6 यूज़ करिएगा, 5 5-6 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ यूज़ करिएगा -2 -4, तो -2 -4 का होल स्क्वायर। तो अब बताइए 5 में से -6 चल जाएगा तो -1 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, यहाँ पर ये भी माइनस है और ये भी माइनस, तो हो जाएगा -6, और -6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 जा 36, तो यहाँ आ जाएगा 36। तो अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 37। उसके बाद क्या निकालिएगा, बी सी निकालिएगा, तो बी सी निकालिए, तो बी सी का क्या उसी तरह यूज़ करिए, रूट ओवर 6-7, तो क्या यूज़ करिए, 6-7 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या, 4-2, तो 4-2 का होल स्क्वायर, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे यहाँ प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 6 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, तो रूट ओवर हो जाएगा, तो हो जाएगा 37 रूट ओवर। ठीक है, अब बी सी हो गया, फिर निकालेंगे ए सी। ठीक है, अब ए सी निकालेंगे तो फिर यही फॉर्मूला यूज़ करिएगा। ए सी के लिए क्या होगा, यहाँ से 5-7 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ से -2 और -2, तो -2 माइनस, और यहाँ माइनस है तो -, प्लस का होल स्क्वायर, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2-2 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, प्लस कट जाएगा 0 0 का स्क्वायर करेंगे 0, तो 0। तो इस प्रकार से 2 का स्क्वायर करें तो हो जाएगा 4+0, यानी कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो अब क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं आप कि आपका दो ठो वैल्यू, ये वाला वैल्यू मैच किया, यानी ए बी इज इक्वल टू बी सी मैच कर रहा है। अब जब ये मैच कर रहा है, ए सी इज इक्वल टू बी सी मैच कर रहा है, तो ये आपका आइसोसेलस ट्रायंगल हुआ, क्योंकि कोई भी ट्रायंगल में आइसोसेलस ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलस ट्रायंगल मतलब दो साइड इक्वल। तो यहाँ देख रहे हैं ए बी का डिस्टेंस आया √37 और बी सी का भी वैल्यू आया √37, तो इस प्रकार से जो वैल्यू आया है ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये बिल्कुल सही आया है और आपका ये आइसोसेलस ट्रायंगल होगा। तो लिख दीजिए यस यस दे आर पॉइंट्स आर ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार से यदि आपका क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से एग्जाम में सॉल्व कर लीजिएगा। बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये आपका कौन सा फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसमें डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है,
रूट अंडर एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। आपके बुक में ये दिया रहता है एक्स टू माइनस एक्स वन और वाई टू माइनस वाई वन, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप इसको एक्स वन एक्स टू आगे रखिए या एक्स वन पीछे रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका फॉर्मूला में, क्योंकि जब भी आप थ्री थ्री माइनस टू का होल स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आएगा वन का स्क्वायर यानी कि आएगा वन, या आप टू माइनस थ्री करेंगे का होल स्क्वायर तो माइनस वन और माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो वन। तो यानी क्या समझ में आया, यहाँ पर आप एक्स वन माइनस एक्स टू लिखिए या एक्स टू माइनस एक्स वन रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आसानी से बन जाएगा, बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम कुछ नए प्रश्नों को ला करके आपके नेक्स्ट फॉर्मूला को सिखाएंगे।